Hello everyone, welcome to the physics class. Today we are going to study about the topic reflection of light. But ये topic start करने से पहले हम light के बारे में study करेंगे. So let's start. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यों हम हर कोई object को देख सकते हैं. अगर हम किसी room में हैं और कहीं पे हैं तो वहाँ की चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं? तो आप कहेंगे हमारी आँखों से. अगर हम हमारी आँखों से चीज़ों को देख सकते हैं तो किसी रूम की लाइट ऑफ कर दी तो रूम की चीज़ों को अंधेरे में हम रूम की चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते? तो आँखें तो हमारी वहाँ वहीं पे हैं तो फिर भी क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती. तो हर कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है. लाइट शुड बी देयर, लाइट होनी चाहिए तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो इस रूम में आप देख सकते हैं टेबल, लैम्प, चेयर, पेंटिंग और कुछ चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लैम्प को हम कैसे देख सकते हैं. अगर इस लैम्प का स्विच ऑन किया तो ये लैम्प हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में लाइट, लैम्प में से ऑल डायरेक्शन में लाइट रेज बाहर निकलेंगी. तो इनमें जो लाइट रेज बाहर निकलने वाली है, एक रे हमारे आँखों में एंटर करेगी. और हमें पता है लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो लैम्प में से जो रेज बाहर आने वाली है, एक रे सीधे हमारे आँख में एंटर करेगी और हम लैम्प को देख सकते हैं. अगर कोई आदमी यहाँ से लैम्प को देख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आँख दिखाई है, तो इस यहाँ से उस लैम्प को देख रहा है तो ये जो लाइट रे इस डायरेक्शन में आने वाली रे इसमें इसके आँख में एंटर करेगी तो वो यहाँ से भी देख सकता है. मतलब किसी भी एंगल से हम लाइट को ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो ये तो हो गई लैम्प के बारे में, क्योंकि लैम्प की अपनी खुद की लाइट है. बट जो बाकी चीज़ें दिख रही हैं, टेबल, पेंटिंग, चेयर, इनके पास तो अपनी लाइट ही नहीं, तो फिर हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? तो जिन ऑब्जेक्ट के पास अपनी लाइट नहीं होती वो बाकी जो सोर्स से लाइट के, उनकी जो लाइट आने वाली है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. सी, टेबल को हम कैसे देख सकते हैं? जो लैम्प में से लाइट रेज बाहर निकल रही है तो टेबल पे इंसिडेंट होगी. टेबल पे जब इंसिडेंट होगी तो टेबल उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँख में एंटर करेगी. मतलब वो लाइट रेज टेबल से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में एंटर करेगी, तभी हम टेबल को देख सकते हैं. तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो चेयर को कैसे देख सकते हैं? तो लैम्प से आने वाली लाइट चेयर पे इंसिडेंट होगी, चेयर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँख में एंटर करेगी, फिर हम उसे देख सकते हैं. तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो जिन ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें कहा जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट. और जिन ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरों की लाइट की हेल्प, लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँख में एंटर करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो इसके हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट के एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के. सी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सन एंड मून. सन की अपनी खुद की लाइट है, आई मीन सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. एंड मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है. तो अर्थ से हम सन को देख सकते हैं. सपोज यहाँ पे सन है, ये मून है और ये अर्थ है. तो सन से जो रेज आने वाली है ये मून पर इंसिडेंट होकर मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तभी हम मून को देख सकते हैं. और अर्थ से सन की रेस तो डायरेक्ट हमारी आँख में एंटर कर रही है तो हम सन को देख सकते हैं. तो इसलिए सन क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो लुमिनस ऑब्जेक्ट के और बहुत कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ट्यूबलाइट, कैंडल, बल्ब, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स जिनकी अपनी खुद की लाइट है. बट सन क्या है? सन इज़ अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट.
सन नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है, और जो बाकी है ट्यूबलाइट, कैंडल, बल्ब, टॉर्च, ये आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मून, पेपर, पेन, पेंसिल, हर कोई ऑब्जेक्ट जिन्हें हम देख सकते हैं वो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है, सी। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, आई थिंक आप सबने की भी होगी, मतलब आप क्रिकेट तो खेलते हैं वैसे बॉल के साथ। अगर बॉल को हमने वॉल पर फेंका तो वो बॉल बाउंस होकर बाउंस करके चली जाएगी। सी, इस बॉल को अगर हमने वॉल पे फेंका, थ्रो किया, तो बाउंस होकर चली जाएगी। तो सेम लाइट का भी है, अगर लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, किसी सरफेस पे फॉल होती है, स्ट्राइक होती है, तो बाउंस करके चली जाती है। बट अब इस सरफेस के ऊपर उसकी आगे की जर्नी डिपेंड है, मतलब इस टॉर्च से ये लाइट रेज आ रही है, बीम आ रही है। एक्चुअली बीम क्या है, कलेक्शन ऑफ रेज, एक जो सिंगल रेज है, मतलब जो सिंगल होती है वो रेज है, और जो नंबर ऑफ रेज है, कलेक्शन ऑफ रेज है, उसे क्या कहा जाता है, बीम। तो ये जो रेज है इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही, फॉल हो रही है, तो ये सरफेस डिसाइड करेगा कि ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, कुछ ये सरफेस एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ ये सरफेस ट्रांसमिट करेगा। तो जो सरफेस ट्रांसमिट करता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट हमारा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सरफेस के ऊपर डिपेंड है कि लाइट को कितना रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। अब हम इस सरफेस को देखते हैं, अगर कोई सरफेस स्मूथ, शाइनी और पॉलिश रहे तो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और अगर कोई सरफेस रफ और डल है तो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन, पॉलिश, स्मूथ, तो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं इसके, मतलब स्मूथ सरफेस के और रफ सरफेस के कुछ एग्जांपल्स। सी, स्मूथ शाइनी सरफेस है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और डल सरफेस है वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे स्मूथ सरफेस, स्मूथ शाइनी सरफेस के कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो अगर इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। ये स्पून है, स्पून हम आपको पता है शाइनी है, तो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होगी वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर। सिल्वर फॉइल पर जितनी लाइट इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एक गुड रिफ्लेक्टर है एज कम्पेयर टू अदर सरफेस। तो इससे बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और इसी के अपोजिट में अगर हमने रफ सरफेस लिया, अगर हमने ये वॉल ली, रफ वॉल ली, इस पर अगर लाइट इंसिडेंट हुई तो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे क्या होगा, आगे लाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बाउंस नहीं करेगी, बाउंस ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका सरफेस क्या है, रफ सरफेस है। सेम ये भी रफ सरफेस है, लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेगी। तो सरफेस के ऊपर डिपेंड है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कितना होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेन मिरर, हमारे घर में जो मिरर है ये। तो ये मिरर बनता कैसे है पहले हम ये देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो सिल्वर फॉइल है वो क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है, लाइट की गुड रिफ्लेक्टर है। तो प्लेन मिरर सिल्वर और एल्यूमिनियम के फॉइल की हेल्प से, मतलब उनकी कोटिंग की हेल्प से ही बनता है। तो प्लेन मिरर क्या है, एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लेन मिरर दिख रहा है। तो प्लेन मिरर एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास की पट्टी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये ग्लास की पट्टी है जिसकी एक साइड में, एक साइड तो ये ऊपर की होगी और जो दूसरी साइड है, कोई भी एक साइड, एक साइड से हमें उसे एल्यूमिनियम से या सिल्वर से कोट करना है। अगर हमने पहले एल्यूमिनियम से या सिल्वर से कोट किया तो इसके ऊपर हमें रेड कलर की फिर से कोटिंग करनी है। क्यों कोटिंग करनी है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम और सिल्वर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, इसकी वजह से हमें उसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग की जाती है। तो अगर कोई मिरर एल्यूमिनियम या सिल्वर से कोट किया है तो इसके ऊपर उसकी क्वालिटी डिपेंड होती है।
तो आपको पता है मार्केट में 5-10 रुपए के भी मिरर होते हैं और ज़्यादा कॉस्ट वाले भी मिरर होते हैं। तो जो 5-10 वाले मिरर होते हैं उनकी कोटिंग एल्यूमिनियम से की जाती है और जो ज़्यादा कॉस्ट वाले मिरर होते हैं उनकी कोटिंग सिल्वर से की जाती है। मतलब वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसको वो कोटिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि किस मटेरियल से हम मिरर को कोट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम से या सिल्वर से। तो सिल्वर एक गुड रिफ्लेक्टर है, इसकी वजह से सिल्वर और एल्यूमिनियम, तो इसकी वजह से मिरर में वो कोट किया जाता है। और आपको पता है मिरर से लाइट, बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है, तो वो क्या करेगी, बाउंस करेगी लाइट को। तो इस तरह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब हम देखते हैं इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड कुछ टर्म्स। टर्म्स देखने से पहले हम मिरर का सिंबल देखते हैं, साइंटिफिक सिंबल, मिरर सिंबल। तो ये मिरर है, तो मिरर को एक साइड से कोट किया है, मतलब ग्लास स्लैब थी पहले, हमने उसे एक साइड से कोट किया है। तो जो एक कोटिंग साइड है वो ये साइड है, और जो हम मिरर में देखते हैं हमारा चेहरा, तो ये साइड है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। हम खुद को जो मिरर में देखते हैं वो ये साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो जो कोट की गई साइड है इसे हम ऐसे लाइन से ड्रॉ करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। तो ये जो लाइन दिखाई गई है इसका मीनिंग क्या है, इस साइड से हमने कोटिंग की है। और ये जो प्लेन सरफेस हमें दिख रहा है इसका मीनिंग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जब ऐसी लाइट इंसिडेंट होगी तो ऐसे बाउंस करके चली जाएगी। तो ये मिरर का साइंटिफिक सिंबल। तो आगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे बॉल ऑल पर अगर हमने थ्रो की तो बाउंस होकर चली जाती है, तो वैसे ही सेम अगर लाइट किसी सरफेस पे ऊपर इंसिडेंट होती है, फॉल होती है, स्ट्राइक की जाती है, तब वो बाउंस करके चली जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग द और स्ट्राइकिंग द सरफेस, तो बाउंस करके चली जाती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। तो सरफेस तो हमने देखा, तो लाइट का रिफ्लेक्शन सरफेस के ऊपर डिपेंड है, कौन सा सरफेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो प्लेन मिरर हमने देखा, प्लेन मिरर से लाइट, बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे हमने सरफेस लिया है प्लेन मिरर। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है एक्चुअली, सपोज हमारी यहाँ पे टॉर्च है और टॉर्च में से जो रेज आ रही है, बीम आ रही है, कलेक्शन ऑफ रेज आ रही है, तो जो सिंगल रे है और जो आने वाली रेज है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रेज, द रेज फॉल ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर जो रेज फॉल्स होने वाली है वो है इंसिडेंट रे। नाउ रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो इंसिडेंट लाइट मिरर के ऊपर फॉल्स होने वाली है वो बाउंस करके चली जाने वाली। तो जो बाउंस करती है लाइट, बाउंस करके चली जाती है, बाउंसिंग बैक, तो वो है रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट में वो रिफ्लेक्ट करके चली जाती है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अभी हमने तीन टर्म्स देखे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी। इंसिडेंस रे मीन्स द रे फॉल्स ऑन सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे जो इंसिडेंट रे सरफेस पर फॉल्स होने वाली है, स्ट्राइक होने के बाद जो बाउंस करके चली जाती है वो है रिफ्लेक्टेड रे। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस रे एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ अब हम देखते हैं नॉर्मल। अगर हमने इस दोनों रे के बीच में अगर नॉर्मल ड्रॉ की, तो नॉर्मल क्या करती है, मिरर के साथ और सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सी ये नॉर्मल है, तो ये मिरर के साथ या सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो नेक्स्ट इज अ नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलरिटी राइट एंगल, इसका एक ही मीनिंग है 90 डिग्री। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट करती है, सी आई, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम
सिमिलरली रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट किया जाता है. सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही है बेसिकली, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. किसी सर्फेस के ऊपर अगर लाइट फॉल्स होती है तो बाउंस करके चली जाती है, सेम बॉल की तरह. अब हम देखते हैं इसके कुछ लॉज. अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ लॉज को फॉलो करती है. तो ये लॉ क्या है ये देखते हैं. तो पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, वो दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं. सी देखते हैं, सपोज ये प्लेन मिरर है, हमने देखा मिरर का साइन. अब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जो आने वाली रेज है, इसके ऊपर फॉल होने वाली रेज है, वो है इंसिडेंट रे. तो एक पॉइंट में से बाउंस करके चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे. तो दिस इज़ अ इंसिडेंट रे, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी. ये पॉइंट पी है. हम इस ए सपोज ए इज़ अ इंसिडेंट रे, ए पी इज़ अ इंसिडेंट रे, पी बी इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे एंड एक्स जेड इज़ अ एक्स वाई इज़ अ प्लेन मिरर एंड ए है नॉर्मल. एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर एंड ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट आर. तो पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल. मतलब आई की वैल्यू जितनी होगी, आई का जितना एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. मतलब सपोज ये 30 डिग्री है तो ए भी कितना होगा 30 डिग्री. आई इक्वल्स टू आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई इक्वल्स टू आर, सपोज इस एंगल को हमने चेंज किया, इसको अगर हमने चेंज करके 60 डिग्री किया, इंसिडेंट एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा. रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा, वो भी कितना होगा 60 डिग्री. अगर इंसिडेंट रे हमने 10 डिग्री किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी 10 डिग्री होगा. मतलब दोनों की वैल्यू कितनी होगी सेम होगी. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बट अगर किसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे नॉर्मल से कोइंसाइड कर दे तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा. सी ए प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे क्या कहा मैंने, ये नॉर्मल हमारी. इस केस में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं. मतलब ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे भी है, मतलब यहीं से इंसिडेंट रे भी आ रही है. अब यहाँ से इंसिडेंट रे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है. तो इस केस में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाएगी. मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे आई कितना होगा 0, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं हो रहा है. तो आर भी कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा. तो ये स्पेशल केस है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल को कोइंसाइड करती है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी 0 होते. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन. ये जो तीनों हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. ये है हमारी नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सपोज ए, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी, बी इंसिडेंट रे है ए पी, रिफ्लेक्टेड रे है पी बी और एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए आई और आर. तो आई आर एंड एन,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाए होते हैं. आई मीन ये आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो एक ही प्लेन में, अगर हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तब भी ये एक ही प्लेन में होगे, मतलब इसमें से कोई रे बाहर नहीं निकलेगी. तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये रिफ्लेक्शन के दो मेन लॉज हैं. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में दिए हैं. सी यहाँ पे सेम, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया है पहले स्लाइड में, यहाँ पे सिर्फ डिटेल में दिया है दोनों भी लॉ. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई आर एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते. अब इस रिफ्लेक्शन के दो मेन टाइप्स है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इन टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे. थैंक यू.